असलम मैं यूट्यूब फैमिली वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे आज आप बहुत ही ज़बरदस्त फैशन के साथ हाजिर हूँ जी हाँ लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फेशल्स लेकर आती रहूँ तो व्यूवर्स अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो गए हैं और आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए उसके स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएं और आपकी फ़ेस पर एक ग्लो आ जाए तो वीवर्स आपने कहीं नहीं जाना ये जो फ़ेशियल है स्पेशली आपके लिए ये ऐसे ही आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा चमक आ जाएगी जी हाँ हनी फेशियल हम करेंगे आज शहद का फेशियल जिससे आपके शहद का यूज़ करने से आपके चेहरे पर जितनी भी झुरियाँ हैं उम्र के बढ़ते हुए एज से आप परेशान हैं स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग है स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है जी डर्ट चल जाती है फेस के अंदर और उससे पिंपल्स बन जाते हैं तो वीवर्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको और कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो डबल हो जाती है टैन टैनिंग हो जाती है स्किन टैन बर्न टैन हो जाता है तो उसके लिए भी आप हनी फिशर को जब करेंगे अप्लाई तो उससे आपकी स्किन की ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ब्लैक हेड व्हाइट हेड से लेकर सब कुछ सॉल्व होने वाला है तो आपने विवर्स इसको एंड तक देखना है कहीं से भी स्किप नहीं करना और आपको बहुत ही औसम रिजल्ट मिलेंगे इसके और अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है झुरियों के निशानत हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं तो वीवर्स ये ये भी सब कुछ आपके आज ये ऑल स्किन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी सारी इस फेशल में कम्प्लीटली दूर होने वाली है ठीक है जी तो वीवर्स हम चलते हैं अपनी आ, बता मैं पहले आपको ये भी बताऊं कि हमारी रीज़न क्या बनती है ये चीज़ें जो हमारे फेस पर हो जाती हैं ये सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो हम तो हम पानी नहीं पीते और हमें जो सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम पानी का बहुत कम इंटेक करते हैं हमें सबसे पहले तो छः से आठ गिलास पानी मस्त पीने चाहिए क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आप ज़्यादा पानी नहीं पीते कम अज़ कम आठ गिलास तो मस्त पिए पानी में अपनी रूटीन में शामिल करें और जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनमें चॉकलेट्स आइसक्रीम और बहुत कुछ होता है आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल लें आपकी स्किन में बहुत जो जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप जंक फूड्स खाते हैं फ्राइड चीज़ें खाते हैं ये सब कुछ इसी की वजह से होता है और आप परेशान हो रहे हो रहे होते हैं कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है तो वीवरस आपने इन चीज़ों को अपने इस रूटीन में से निकाल देना है फ़्रेश जूसी का यूज़ करना है आजकल ऑरेंजेस हैं मौसमियाँ हैं और बहुत आ, सीजनल फ्रूट्स हैं जो आप खा के पी कर जूस उसका बना कर पिए जूस की फॉर्म में नहीं बना सकते तो आप उसको एज आ कटिंग करके उसको यूज़ करें खाने में तो इससे व्यूवर्स क्या होगा आपकी स्किन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आएगा जब बाकी चीज़ें तो रेमेडीज़ वगैरह तो बाद की बात है ठीक है जी जब जब ये चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे सीजनल वेजिटेबल्स आप अपनी रूटीन में लाएंगे तो विवर्स इसी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगा फेशल्स वग़ैरह तो बाहर की बातें होती हैं पहले आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको ठीक करें जी हाँ शहद के बारे में आपको पता है हनी जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा ये ये चीज़ है ठीक है जी इसका कुरान पाक में भी जिक्र है और कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने इसकी शहद के ऊपर मक्खी शहद की मक्खी के ऊपर और शहद पर तो एक पूरी किताब पूरी सूरत नाजिर फरमा दी है शहद की मक्खी की इतनी अहमियत दी अल्लाह ताला ने ठीक है जी उसको और शहद के जो कमालात हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है इवन के एक दिन के बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं उसके लिए भी शहद ही वो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें और इसमें शिफा ही शिफा है शिफा कामिल है ये और कुरान पाक में फरमाने के शिफा के अलावा ये हर बीमार जो जितने बीमार हैं उसके अफाक़े का बायस बनता है क्योंकि ये एक इंसानी खुराक है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है विवर्स शहद में कुदरत ने मुख्तफ अज़ा को इसको ख़ूबसूरती से तरतीब दिया है कि इवन के बाहर चीज़ के, के, में इसके लिए शिफा शफाए एंटीबायोटिक अदयात से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मंद और देर पा है तो तो वीवर्स आपने इसको अगर आप खाएंगे पीने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट होने के लिए मोटापा कम करने के लिए फ़ालतू जिसम की चर्बी का ख़त्म करने के लिए भी तो जो लोग स्मार्ट होना चाहते हैं और अपने जिसम से जो चर्बी है उसको कम करना पेट की चर्बी को कम फालतू जितनी चर्बी है अपने जिसम की कम करना चाहते हैं तो इसको नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम में हार मुँह अगर पियेंगे तो इससे सारी चर्बी जिसम की फ़ालतू चर्बी का अखराज हो जाता है इसके अलावा फेस पर इस्तेमाल करने के इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं विवर्स अगर आप इसको वो मैं अब आपको जो फेशियल बताऊँगी तो आप उसको क्योंकि आजकल मौसम सरमा है और हमारी स्किन जो है जो विंटर आ गया हुआ है तो विवर्स हमारी स्किन जो है ज़्यादातर ड्राई हो जाती है और अगर आप चाहते हैं कि इसको नरम मुलायम करें तो वीवर्स आपने और झुड़ियों से निजात पाना चाहते हैं तो आपने आपने ये विवर्स आपने इसको यूज़ करना है तो आप जब इसको एक बार ही यूज़ करेंगे तो इससे आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये एंटी स्पैटिक इस में प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब आपने इसको यूज़ करना है हनी फेशियल को तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे तो अब चलते हैं हम अपनी फेशियल की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं तो आपने स्किप नहीं करना एंड तक सारा देखना है तो चलते हैं आइए मेरे साथ तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं उस जो उसमें चीज़ें यूज होनी है तो अब हम आपको बताते हैं शहद जो है ये हनी जो है ये प्योर होना चाहिए ठीक है जी और अगर आप तो अगर आप लाहौर में रहते हैं तो ये बेरी वाला शहद जो है पहलवान ड्राई फ्रूट से ये मिलता है लिंक रोड पर इनकी शॉप है यहाँ से बहुत ही बेस्ट और प्योर मिलता है ठीक है जी अगर जो जो व्यवर जो मुझे देख रहे हैं लाहौर में रहते हैं तो वो वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है मैंने भी वहाँ से मंगवाया है और आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं तो अब हमने क्या करना है जी हमें हनी चाहिए एक चम्मच क्लिनजिंग जो है हमारी जो फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनजिंग जो है हमारे फेस को क्या करता है जी लिफ्ट करता है हमारे फेस की डेड जो हमारी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है और हमें एवरी डे मिल्क पैक चाहिए इसके लिए आपके पास अगर ये नहीं है विवर्स तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप इसमें दूध जो कच्चा दूध होता है बॉयल दूध किसी फॉर्म में आपके पास दूध है मिल्क है आपने वो इसके अंदर फर्स्ट एक चम्मच ऐड कर लेना है तो इसके रिजल्ट अपने हैं सेम ही रिजल्ट होंगे बस आप इसके रिप्लेसमेंट में वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी क्लिनजिंग के लिए क्लिनजिंग हमारे फेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेशियल का पार्ट है जो हमारे स्किन पर जो हमारे बहुत ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं वाइट हेड्स होते हैं जब हम क्लिनजिंग करेंगे तो उससे ये सारे रिमूव हो जाएंगे ठीक है जी तो आपने इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है जी पाँच से दस पाँच मिनट तो आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है बहुत अच्छे से फेस पर ठीक है जी और आपने जब इसको करना है फेस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके ग्लो आ जाएगा एक ही स्टेप करने से आपको बहुत इफ़ेक्ट आएगा विवर्स हाँ अगर जो मैं ये फेशियल के स्टेप्स बता रही हूँ अगर आप पूरा करेंगे तो भी उसके बहुत औसम उसके तो फिर बहुत ही औसम रिज़ल्ट आएंगे और अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप इसमें से कोई एक सा भी अप्लाई कर लेंगे ना स्टेप तो उसके भी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो विवर्स आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना ये देख लें आपके सामने अच्छे से बहुत जेंटली ज़्यादा रगड़ रगड़ के फेस पर नहीं करना क्योंकि किसी की स्किन जो होती है नॉर्मल होती है और किसी की सेंसिटिव होती है तो आपने बहुत जेंटली और पोलाइटली हैंड से आपने फ़ेस पर अप्लाई करना है ठीक है जी हाँ जी अब इसके बाद हमने जब इसको अप्लाई कर लेना है तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है अगर आपके पास नीम गर्म पानी है तो अगर आप उससे वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छे ग्लो आएगा आपके फेस पर क्योंकि अब विंटर है तो इसके लिए आप थोड़ा सा वो गर्म पानी यूज़ करें सेकेंड स्टेप है जी एक्सपोलिएशंस एक्सपोलिएशंस का मतलब है कि स्क्रबिंग स्क्रब scrub जो है ये भी हमारे जो हमारे हैं फेशियल उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारा जब हम इसको स्क्रब करते हैं तो फेस से सारी डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं और फेस पर हमारे एक बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है तो स्क्रब करना ना भूलिएगा इसको भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इसके लिए भी हमें हनी चाहिए एक चम्मच ठीक है जी हनी के बाद हमें जो दूसरा दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो भी हमें फेयर करता है और हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आता है फेयरनेस के लिए तो चावलों के आटे से बेस्ट कोई भी स्क्रबर नहीं है अगर आपके पास ये राइस फ्लोर नहीं है तो आप इसको घर में भी चावलों से चावलों को ग्राइंड कर करके भी बना सकते हैं इसको बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं कोई इतना इशू नहीं है इसका और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके रिप्लेसमेंट में आप स्क्रब बनाने के लिए शुगर ले सकते हैं उसको ग्राइंड करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास शुगर भी नहीं है वीवर्स तो आप कॉफ़ी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं विंटर है तो कॉफ़ी तो हर कोई पीता है तो कॉफ़ी पैक भी आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपके बहुत औसम रिजल्ट्स आएंगे देख लें मैंने आपको इसके रिप्लेसमेंट में तीन चीज़ें बता दी हैं जो आपके पास इजीली आपको अवेलेबल है आपने उसके साथ स्क्रबिंग करनी है स्क्रब आपने बहुत जेंटली हैंड से करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है स्क्रब से आपके फ़ेस की फेस पर फ्रेशनेस आएगी ग्लो आएगा आपके फेस पर विवर्स तो आपने पाँच से दस मिनट तक आपने इसका मिसाज करना है मिसाज आपने बहुत लाइटली करना है प्लाइटली करना है मैं आपको हर बार रिकमेंड करती हूँ किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो ऐसे ज़्यादा अगर रगड़े कर लगाएंगे फेस पर तो उससे क्या होगा आपके रेडनेस आ जाएगी फिर आपने कहना है कि मैंने अच्छा आपको बताया नहीं है तो आपने बिल्कुल प्लाइटली इसको अपने अपने फ़ेस पर अप्लाई करना है ठीक है जी आप मुझे जैसे देख रहे हैं ऐसे ही आपने फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है एक जेंटली ग्लो आपके फेस पर आ जाएगा ठीक है जी अपनी जो डिपोजिशन होती है नोज़ के पास होती है उन एरियाज़ पर आपने अच्छे से अप्लाई करना है थोड़ा सा यहाँ से रब करना है अपने नोज़ की साइड्स पर ब्लैक ब्लैक होती है वहाँ से डिपोजिशन तो उसको आपने इससे रिमूव करना है ठीक है जी वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है इसको लिप्स के पास करना है वहाँ पर भी ब्लैक ब्लैकिश होती है वहाँ से स्किन तो वहाँ पे भी आपने करना है आइज एरिया को आपने बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि आइज़ पर भी आप इसको आप इसके स्क्रबिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा ये कौन से केमिकल्स इसमें पड़े हुए हैं जो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट मिलेगा ठीक है तो वीवर्स आपने बहुत अच्छे से इसको आ, सारे स्टेप्स मैंने आपको कई बार फेशियल में बताए हैं अगर आपको नहीं पता तो वीडियो जो स्टेप जैसे आपने करना है मैंने वो लिंक में डाल डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया हुआ है ठीक है जी आप वहाँ से लेकर आप इसको कर सकते हैं ठीक है जी स्टेप इसके तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ वो है स्टीमिंग स्टीमिंग जो है फेस के लिए बहुत नेसेसरी होती है व्यूवर्स आपके फेस पर एक बहुत ज़बरदस्त ग्लो लेकर आ सक आती है घर में आप गर्म पानी करें टॉवल लेकर आप कर सकते हैं ईजीली कोई सा भी ठीक है जी उसके अलावा आपको जो इसमें आपने ऐड करना है धनिया आपके पुदीने का जो अगर कर लेंगे तो वह आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लेकर आएगा तो आप जैसे आपको स्टीम बेहतर लगती है फेस के स्टीमर है तो उससे करें आप ठीक है जी अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ वो है मिसाज क्रीम जी हाँ मिसाज क्रीम हमारे फेस के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा उसके लिए हमें हनी चाहिए मिसाज क्रीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए अब मैं वो आपको बता दूँ ये है जी आ, हमारे पास जो जोबा ऑयल है ये हमारे पास इसको आपने इसमें वन टेबल स्पून ऐड करना है अगर जिन लोगों के पास ये नहीं है तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके पास अगर तो कोकोनट ऑयल है नारियल का तेल वो आप इसमें कोकोनट इसमें, ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो वीवर इसके रिप्लेस में आप नारियल का तेल यूज यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल का एक चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपने एक ये बहुत अच्छा सा मिसाज बना लेना है ये जब आपने मिसाज फेस पर करना है बहुत अच्छा इसको आपने मिक्स करना है ताकि एक बहुत अच्छी सी क्रीम फॉर्म में आ जाए आपके सामने मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ व्यूवर्स जब ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगा तो आपने इसकी मिसाजिंग करनी है अपने फेस को मिसाज क्रीम आपके फेस को लिफ्ट कर देता है आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आता है और आपने बहुत जेंटली इसको मिक्स करना है और ये देख ले मैं एक क्रीम फॉर्म में लेकर आ रही हूँ व्यूवर्स आपने भी ज़रा पाँच से दो दो चार मिनट आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ठीक है जी तब ये आपका मिसाज क्रीम आपकी तैयार होगी ठीक है अब हम मिसाज क्रीम करते हैं मिसाज इसके साथ मिसाजिंग ये हमारी क्रीम हम तैयार हो गई है मिसाज कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हाथों से आपने मिसाज करना है तो वीवर्स इसके बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं आपने ये सर्दियाँ आ गई हुई हैं विंटर में हमारी स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है पैच हमारी स्किन पर हो जाते हैं हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा न हम पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है पैचेज़ आ जाते हैं तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है जी हमें हनी फेशल ज़रूर करना है अप्लाई अपने फ़ेस पर तो इसके बहुत ज़्यादा औसम रिज़ल्ट हैं ग्लो नेचुरली आपके फेस पर आएगा हमारे जो ओपन पोर्स हैं हमारी जो रिंग हैं फेस पर सारी ब्लॉक हो जाएंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका आपने पाँच से दस मिनट आपने इसकी मिसाज करनी है और इसको आ, इसको फिर वॉश ऑफ कर लेना है ठीक है जी लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी वो फ़ेस मास्क है जब हमने आपने जो फ़ेस मास्क ये मैंने उसमें हनी भी है इसके अंदर और वही वाला ऑयल जो मैंने जो बैबा ऑयल यूज़ किया था आपने उसको इसको, इसको इसी में ऐड करना है फ़ेस मास्क बनाने के लिए ठीक है बेसन मैंने एक चम्मच ऐड किया है इसके अंदर बेसन जो है फ़ेस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है बेसन जी हाँ अगर बेसन नहीं है आपके पास तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विवर्स इसके रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट में आप आटा यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो इसमें ऐड किया है वो है हल्दी हल्दी आपके फेस पर निखार लेकर आती है आपके फेस को ग्लो करती है जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं वो सारे आपके किचन में अवेलेबल होते हैं आपको हर चीज किचन से मिल जाएगी तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ये सब कुछ आपको अपने घर में इजीली अवेलेबल होगा ठीक है जी और आप बेसन की जगह हनी लेकिन नेसेसरी है, है हनी के बगैर हमारा ये फेशियल अधूरा है व्यूअर्स जो बेसन है हमारे फेस पर बहुत ज्यादा निखार लेकर आता है फेयर करता है और अगर आपके पास नहीं है आटा यूज करिए मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें जो घर में आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो यूज़ करें कोई इसमें कोई आपने एक फ़ेस मास्क बनाना है जो हमारे फेस पर क्या होगा जो हमारे ओपन पोर्स हैं हमारे ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं उनको लॉक कर देगा उनको ए, उनको लॉक करने के लिए फिर आपने ये जो फ़ेस मास्क है लगा कर आराम से रेस्ट करना है आपने इधर उधर घूमना फिरना नहीं है व्यूअर्स इससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा आपकी स्किन को आपकी इसके लिए और और नेक्स्ट जो इन ऐड होगा ये भी लिटिक लिटिक एसिड से भरपूर है विटामिन सी से भरपूर है जी योगर्ट है ये ठीक है जी ये भी फेयरनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त हमारा फेस पैक है जी हाँ विवर्स अगर आपने आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आपने इसको सारा जरूर अप्लाई करना है आपके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ठीक है जी आपने ये मास्क लगा लेना है पाँच से दस मिनट आपको लगेंगे ये ड्राई नहीं होगा और ना आपने इसको ड्राई करने का वेट करना है ठीक है जी जब आपका नॉर्मल ये आपको लगेगा पाँच दस मिनट हो गए हैं तो आपने इसको आराम से व, फेस ऑफ फेस से वॉश ऑफ कर देना है ठीक है जी जी तो मैं फिर भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसका रिज़ल्ट भी आपको चेक कराऊंगी कि मेरे इसका अप्लाई करने से मेरे कितने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं विवर्स जी हाँ तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी लास्ट लुक ठीक है जी सी रिज़ल्ट जिस पर मैंने अप्लाई किया है वो हैंड भी आपके सामने हैं इस पर मैंने अप्लाई किया है तो इसके कलर में आप फ़र्क देख सकते हैं इस पर मैंने अप्लाई नहीं किया इसमें भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं ठीक है जी तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज